नहीं, अगर स्टूडेंट ने पैसा नहीं जमा किया है, फीस नहीं जमा किया है, वो तो अलग बात है, तो मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा सर। अगर स्टूडेंट ने फीस दिया है, फीस अगर कोई नहीं दिया है तो नहीं बैठने का मैं बिल्कुल भी सर समर्थन करता हूँ। ठीक किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी मेरे को फोन किया कि सर पूरी फीस जमा है लेकिन फिर भी हमारा नहीं है। तो तुम्हारी जिंदगी भर परीक्षा दी है ले लिए। अच्छा तो प्रैक्टिकल से नहीं हो रहा तुम। नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा ये है, किसकी गलती कहूं या किसकी गलती ना कहूं, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा कि करीबन 1.5 लाख से ऊपर सीबीटी एग्जाम आईटीआई के छात्र नहीं दे पाएंगे। कारण क्या? सीबीटी एग्जाम की फीस नहीं भरी हुई है। इसी में मैं जांच पड़ताल कर रहा था और कई लड़कों का हमारे पास फोन आया। क्योंकि एक न्यूज की मर्यादा होती है, इसलिए मैंने दो लड़कों और एक आईटीआई के सेंटर वालों को मैंने जो है तो इंटरव्यू किया, उनसे बात किया और बात करने के बाद मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके पीछे की कहानी ये है कि आखिर नुकसान किसका हुआ? छात्र का नुकसान हुआ, और इसके पीछे कौन लगा हुआ था ये भी जान लीजिए। अगर कहीं डीजीटी अपनी नियम ये ना बनाती कि लड़कों के प्रोफाइल और लॉगिन पे अगर हाल टिकट और मार्कशीट ना देती तो आज ये स्थिति ना आती। डीजीटी निश्चित ही अपने काम में जो है तो सफल हुई, और वो जो करना चाहती थी कि प्राइवेट आईटीआई को इतना बदनाम कर दो और प्राइवेट आईटीआई को इतना त्रस्त कर दो कि लड़के जो है तो वहाँ एडमिशन लेना बंद कर दें, और इसमें वो कामयाब रहे। तो धन्यवाद, थैंक यू डीजीटी और सेक्रेटरी साहब और डीजीटी की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने भारत के भविष्य को जो है तो सड़क पे लिया दिया और करीबन 1.5 लाख के लगभग छात्र जो है तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। कारण क्या था इसको भी मैं बताता हूँ आपको, आप ये समझिएगा, बड़े विस्तार से समझिए। बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है कि लड़के प्रैक्टिकल एग्जाम तो दे पाए लेकिन सीबीटी एग्जाम नहीं दे पाए, इसलिए उनका फॉर्म नहीं भरा गया। क्यों नहीं भरा गया? कई लोग तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं दे पाए। पहले क्या होता था कि कम से कम आईटीआई वाला एग्जाम देने देता था लड़कों के, मार्कशीट उसके पास रहती थी तो जब तक लड़का पूरा पैसा नहीं दे देता था तब तक वो मार्कशीट नहीं देता था, जायज है। लेकिन अब जो है तो जैसे डीजीटी ने प्राइवेट आईटीआई के पर काटे, वैसे प्राइवेट आईटीआई वालों ने स्टूडेंट के जो है तो पर काटना चालू कर दिया, और इस पर जो है तो लड़ाई प्राइवेट आईटीआई वर्सेस स्टूडेंट हो गई, और इसमें तमाशा जो है तो डीजीटी के अधिकारी देख रहे हैं और अपने काम में सफल हो गए, और उनको ये बताने में हो गया कि अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई में आप एडमिशन लेते तो कम फीस भरती है और वहाँ आपको ये चांस ना आता। तो ये जो चीज़ें हैं ना आज का पड़ताल, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले एक लड़के की बात सुनिए, फिर उसके बाद बात करता हूँ। हाँ आप बोलो। आवाज आई? हाँ बोलो। हाँ मेरा फीस जमा कर लिए पर सर वो पोर्टल से अपलोड नहीं किया, यहाँ से जो यस नो करते हैं ना अटेंडेंस वगैरह, हाँ वो अपलोड नहीं किया गया, और फीस ले ली है। फीस ले ली है, बस रिसिप्ट भी है मेरे पास। हाँ पर यहाँ से अपलोड नहीं किया, और मैंने क्लास टीचर से बात की तो बोलते अब कुछ नहीं होगा, उन्होंने नंबर भी बंद कर दिया, और यहाँ पे आईटीआई में बात की तो यहाँ पे बोलते जितने सर थे उनका ट्रांसफर हो गया। तो ये गवर्नमेंट आईटीआई के हैं कि प्राइवेट आईटीआई के? गवर्नमेंट आईटीआई सर। बाप रे, गवर्नमेंट आईटीआई के हैं, ऐसे हालत है? हाँ गवर्नमेंट है, गुजरात से बात कर रहा हूँ सर। तो वो क्या कहते हैं मतलब परीक्षा फीस भी ले लिए थे? हाँ फीस ले ली, रिसिप्ट भी है मेरे पास, लेकिन उन्होंने जो पोर्टल पे MIS करके एक वेबसाइट है उससे अपलोड नहीं किया हूँ यहाँ से उन लोगों ने। तो प्रिंसिपल से हॉल टिकट? हाँ तो प्रिंसिपल से भी बात की तो बोलते क्लास टीचर से बात करो, पर वो कोई हेल्प नहीं कर रहे प्रिंसिपल। अच्छा प्रिंसिपल साहब का नाम और मोबाइल नंबर मेरे को भेजो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विवेक शर्मा, गुजरात वडोदरा से बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। मेरे और भी लड़के ऐसे हुए हैं क्या? नहीं नहीं, मेरा ही ग्रेड ट्रेड में खाली, मेरे ही कुछ बच्चों का था उनका हो गया, लेकिन मेरा ही खाली नहीं कर रहे। और ध्यान मुझके नहीं कर रहे, पता नहीं क्या है। ट्रेड क्या है तुम्हारा? मैकेनिकल मोटर व्हीकल। हाँ तुम प्रिंसिपल का नंबर दो,
है ना, YTI का नाम दे। YTI क्या नाम है? चलिए, ये गुजरात का लड़का था। अब बिहार के लड़के की बात सुन लेते हैं। बोले हैं सर कि हम लोग का सेकेंड ईयर में 400 स्टूडेंट है। 400 स्टूडेंट हो? जी, जिसमें से 285 स्टूडेंट के एडमिट कार्ड नहीं आया है। माने 400 में 285 स्टूडेंट का एडमिट कार्ड नहीं आया, क्यों नहीं आया है? बोल रहे हैं लोग कि CBT फीस जमा नहीं था आप लोग, इसलिए फीस नहीं, एडमिट कार्ड नहीं आया है। हम लोग पूरा फाइनल पेड कर चुके हैं कॉलेज को। आप लोग पूरा पैसा जमा कर चुके हो? जी, पूरा फाइनल पेमेंट कर चुका हूँ कॉलेज में। कितना जमा कर चुके हो? 27,000 तक कर चुका हूँ जमा। तो अरे बाप रे, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिए ये लोग। हाँ, 285 आदमी के एडमिट कार्ड अभी तक जांच नहीं किया है। प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड आया लेकिन CBT फीस नहीं जमा किया, उसकी वजह से बोल रहे नहीं आया है आप लोग का। तो प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहा है तुम लोगों का? नहीं, प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड आ गया है लेकिन CBT का नहीं आया। प्रैक्टिकल का आ गया है, CBT का नहीं आया है? जी, जो एग्जाम होने वाला कंप्यूटर पे उसका नहीं आया है। तो इसका, इस ITI का नाम क्या है, प्रिंसिपल का नाम क्या है, मेरे को व्हाट्सएप करो। अब मैं ITI के डायरेक्टर की बात को सुनाता हूँ। सर, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ, ITI टॉक शो से। प्रणाम सर। प्रणाम। सर, करीबन 285 लड़कों का CBT हॉल टिकट नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूँ सर, 285 लड़का का सर? हाँ, हॉल टिकट है? हाँ, CBT का हॉल टिकट नहीं आया है। नहीं नहीं, अगर स्टूडेंट ने पैसा नहीं जमा किया है सर, फीस नहीं जमा किया है, तो वो तो अलग बात है, उसको मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगा सर। अगर स्टूडेंट ने फीस दिया है तभी वो होना चाहिए, फीस अगर कोई नहीं दिया है तो फ्री में नहीं बैठने का मैं बिल्कुल भी सर समर्थन करता हूँ कि ठीक किया आपने। लेकिन लड़कों जो बोल रहे हैं, बहुत सारे लड़कों ने अभी मेरे को फ़ोन किया कि सर मेरी पूरी फीस जमा है लेकिन फिर भी हमारा हॉल टिकट नहीं आया है। नहीं सर, ऐसा कीजिए कि लेकर सब झूठ बोल रहा है, ये तो डायरेक्ट सबका 8,000-9,000 जमा है सर। अच्छा, बाकी 8,000-9,000 जमा करके लास्ट वाला 21 वाला चार आगे हॉल टिकट ले ले, मतलब एडमिट कार्ड ले ले, कैसे बताएंगे करेंगे सर? नहीं नहीं नहीं, ये 8,000-7,000 बाकी है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, अगर इतना पैसा बाकी है तो फिर फ्री में ITI वाला नहीं पढ़ाएगा भैया। 20,000 में एडमिशन है सर, 22,000 में एडमिशन है, आधा था पैसा बाकी है। ये पैसा लेकर दिया है सर, उसको हम कर दिए हैं। 1,000-2,000 बाकी है, 3,000 ओकर हम कर दिए, बाकी के 8,000-5,000-9,000 बाकी है, कैसे करेंगे सर? नहीं नहीं नहीं, तो माने ये आपने 100% ये है ना कि आपने जिनका माने 5,000 से ज्यादा बचा है उनका आपने नहीं किया है, जो कम है उनको आपने कर दिया है? देखिए, 2,500 तक बाकी हो गया, हम कर दिए हैं सर। नहीं, हमको 2,500 से भी मतलब नहीं है, आपका तो 5 पैसा अगर बचा है तो आपको लेना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि किसी ऐसे लड़के के साथ तो गलत नहीं हुआ है जो लड़का पूरी फीस जमा किया है और उसको एडमिट कार्ड नहीं मिला। ऐसा कोई गलती नहीं है सर, कोई का गलती नहीं की है। देखिए सर, 23-25 में लेकिन नहीं दिया है पैसा, होकर भी पूरा कर दिया, लास्ट लड़का देगा। हाँ। तो एक साल उसका बाकी होगा, उसका पूरा पेमेंट हम अपने खुद कर दिए हैं सर। अच्छा, करीब 100 बच्चा बचा हुआ है, करीब 95-75-80 बच्चा 22-23 का, 21-23 का जी, तो पैसा भी नहीं दिया है सर। अच्छा, रंगदारी करता करता कि हम पैसा देंगे, एडमिट सर्टिफिकेट लेंगे, तब कहाँ से करेंगे सर? तो एडमिट कार्ड तो वो अपने से निकाल लेता है, उसके प्रोफाइल में सर एडमिट कार्ड नहीं निकलता सर, तो हम सबके पैसा जमा कर देते। जब एडमिट कार्ड निकल जा रहा सर, तो हमारा फिर कोई आ ही नहीं रहा। जी जी, सही बात है ना, एडमिट कार्ड और मार्कशीट तो वो निकाल ले रहा है, तो ITI वाले के पास आ ही नहीं रहा है। नहीं, सही बात है आपकी। नहीं, मेरा सिर्फ इतना है, देखिए अनुरोध, कि किसी माने ऐसे लड़के के साथ में कोई भी गलत नहीं होना चाहिए जो लड़का फीस जमा किया हो, और उसके साथ ना इंसाफी नहीं होना चाहिए। आप एक बार चेक कर लें। नहीं सर, ठीक है सर, हम लेकिन का पूरा फोन के माने एक महीना से पागल हो रहे, फोन कर रहे थे, कहता क्या कि एडमिट कार्ड लेने आएंगे, तो फिर एडमिट कार्ड निकाल लेता है सर बाहर से, हमें भी कोई भी नहीं करता, हम सब स्टाफ खर्चा बिजली खर्चा कहाँ से देंगे सर?
नहीं, ये सही बात है आपकी, ये बिल्कुल भी सही। कारण सर आईटीआई बंद होने के कगार पर आ गया, एक तो एडमिशन नहीं हो रहा, लेकिन 20,000 22,000 18,000 में एडमिशन ऊपर में भी नहीं देता, ऊपर से रंगदारी भी बतियाता है सर। नहीं बात सही है आपकी, बात सही है। नहीं नहीं, नहीं वो मेरा ही नहीं, आप सब आईटीआई वाला से पूछ लीजिए सर, इतना लेकिन खराब हो गया ना, पहले ऐसा नहीं था सर। अब सब नजर करिए तो सर रजिस्टर दिखा देंगे। नहीं नहीं, हम अभी और लड़के हमसे बात कर रहे हैं, मैं सबकी बात सुन रहा हूँ। मैं सबसे मांग रहा हूँ कि आप हमको रसीद दिखाइए, अगर वो रसीद पूरी दिखाते हैं कि इतनी फीस जमा है तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो हम फिर से आपसे बात करें। नहीं नहीं नहीं, सजा देने वाले हम कौन होते हैं सर, सजा देने वाले हम कौन होते हैं, हमारा तो काम, आप हमारा शो देखते होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं तो सच दिखाता हूँ, सच की आवाज उठाता हूँ, मैं आंख मूंद करके किसी स्टूडेंट की बात नहीं मान लेता हूँ, ना मैं आईटीआई वाले की मान लेता हूँ। नहीं सर, वही सर कहेंगे फुल रसीद दिखा दो तो। हाँ नहीं नहीं, हम वही मांग रहे हैं कि आप अभी हमको सबको मैंने बोला कि एक दो घंटे के अंदर हमको जो है तो सारी रसीद जितनी जमा है दिखाइए, अगर आईटीआई वाला गलत है तो फिर मैं उसको बोलता हूँ, लेकिन अगर आप गलत हो तो फिर मैं कोई आवाज नहीं उठाऊंगा स्टूडेंट की। सर 3,000 सर मान लीजिए 75 बच्चा आज तक करीब करीब नहीं जमा किया सर, 75 कितना हुआ सर, मान लीजिए 5,000 के हिसाब से बहुत हो गया, 3.5-4 लाख रुपए हो गया, 4,00,000-5,00,000 रुपया हर साल, जानते हैं सर पागल हो गए हम तो, आईटीआई ने खोल के बहुत बड़का आईटीआई है सर, खोल के हम पागल हो, जितना पूंजी उतना हम किराया में खा दे, बाकी पूंजी फंसा हुआ क्या करें, बहुत आईटीआई यही कारण बंद हो गया, 200 आईटीआई बंद हो गया, हम ही सबके बंद होने के कगार पे, पिछला बार 160 बच्चा का एडमिशन हुआ, 75 बच्चा का एडमिशन। स्टाफ को तो हमें हर महीना देना ही है, बिजली फोन में कट जाता है लाइन। नहीं चलिए ठीक है, मैं लड़कों से मांग रहा हूँ, और एक बार आप सर थोड़ा सा चेक करवा लीजिए कि किसी, मेरा कहने का मतलब है सर, किसी 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 लड़के के साथ में जो लड़का सही रूप से आया है, फीस जमा किया है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है सर, यही मेरा व्हाट्सएप। हाँ भेज दीजिए, भेज दीजिए, मैं चेक, ठीक, ओके, थैंक यू। नहीं सर व्हाट्सएप पर भेज देते सब के, देखिए लेकिन क्या किया है, ठीक है, कितना दिया है, ठीक है, ठीक। देखिए मैं दोष इसमें किसी का नहीं दे रहा हूं, आईटीआई वाला अगर उसके पास पैसा नहीं आएगा, फीस नहीं आएगा तो आईटीआई कैसे चलाएगा, सही है, फीस देंगे लड़के तभी तो होगा, लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ, इसमें नुकसान हुआ स्टूडेंट का, सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने तो सबूत मांगे थे, लड़के ने सबूत दिया, अब लड़के ने जो सबूत दिया, रसीद दिया, ये रसीद आप देख रहे होंगे, लेकिन उसने क्या किया, 26 जून को लास्ट जून में तक में पैसा जमा किया, अब जमा किया आईटीआई वाले को तो मिल गया पैसा, लेकिन स्टूडेंट को जो है तो एग्जाम से वंचित रहना पड़ा। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं और ऐसे बहुत सारी स्टोरी है जो मैं आपको दिखा सकता हूं, बता सकता हूं, लेकिन असली जो है तो मुद्दे पर कौन गया और असली निर्णय क्या था, असली निर्णय ये था कि स्टूडेंट को बहकाया जाए प्राइवेट आईटीआई पे, ताकि इस बार जो एडमिशन है वो एडमिशन जो है तो गवर्नमेंट में ज़्यादा हो, प्राइवेट में नहीं हो। इसके पीछे की जो चाल है ना, ना तो आईटीआई वाले समझ रहे हैं और ना आईटीआई की स्टूडेंट समझ रहे हैं। बस मैं यही दिखाने आया था, यही समझाने आया था, और यही आपको मैं बार बार जता रहा हूँ, ये आप ऊपर मैं छोड़े जा रहा हूँ, आप सोचिएगा कि कौन बाजी मारा है और कौन हारा है, किसका नुकसान हुआ है और किसका नुकसान नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपके यहाँ के 10, 15, 20 या 100 लड़कों का नुकसान हो जाए, लेकिन भविष्य में किसका नुकसान हुआ है जब आपके पास एडमिशन नहीं होगा, तब सोचिएगा जरूर। डीजीटी अपने चाल में कामयाब हो गई। आज तक के लिए इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करिए। आज का भी दिन शुभ हो आपका और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।